गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मिस प्रभा खलको। आई एम फ्रॉम मारवाड़ी कॉलेज इंटरमीडिएट बॉय सेक्शन। स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टीच यू दिस टॉपिक, स्क्रिप्चर ऑफ लैंड ग्रांट इन गुप्त पीरियड एंड टूडे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पिछले वीडियो में चर्चा किए थे मौर्यकालीन सभ्यता एवं साम्राज्य की आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं राजनैतिक उत्थान, पतन एवं विकास विस्तार के बारे में बतलाया है। मौर्य साम्राज्य के बाद गुप्त साम्राज्य का इस देश से दबदबा रहा। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गोल्डन कहा जाता है। संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक संघ के अधीन कर शक्तिशाली बनाकर विदेशी आक्रमणकारियों का सामना भारत की स्वतंत्रता को अशुभ बनाए रखा। इस युग में भारत ने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साहित्य एवं कला के क्षेत्र में काफी उन्नति की। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को यहाँ की कृषि भूमि दान आदि के बारे में बतलाऊंगी। आपने पढ़ा कि सिंचाई के लिए कुआं, तालाब एवं नहरों का उपयोग किया जाता था। झील पर ये लोग बहुत ध्यान देते थे क्योंकि सिंचाई का प्रमुख स्रोत था। कृषि पर उनके जीवन आधारित था, अतः कृषि की उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहते थे। गुप्त काल में भूमिहीनों के बौद्ध भिक्षुओं के बीच भूमि दान की जाती थी। इस दान की गई भूमि में राज्य की सेना का प्रवेश वर्जित था। वर्जित मिस होता है प्रतिबंध था, मना था। राज्य का कोई भी अधिकारी यहाँ के जीवन क्रम में कोई भी बाधा नहीं डाल सकता था। भूमि दान का सर्व प्राचीन पुरालेखीय प्रमाण ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के सातवाहन अभिलेख में मिलता है। इसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव दान देने की चर्चा है। गौतमी पुत्र सत्कर्णी के नासिक गुहालेख की द्वितीय पंक्ति में गोवर्धन ग्राम की भूमि दान का उल्लेख मिलता है। 5वीं शताब्दी में ऐसे भूमि अनुदानों की प्रवृत्ति बढ़ी। भूमि की आंतरिक सुरक्षा एवं प्रशासन का दायित्व दान देने वाले पर होता था। दूसरा, मालगुजारी के समस्त साधन भी दान पाने वाले के नाम हस्तांतरित का अर्थ होता है ट्रांसफर करना एक स्थान से दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट, इतिहासकार रामशरण शर्मा लिखते हैं कि गुप्त काल में मध्य भारत के बड़े बड़े सामंत ब्राह्मणों को दान स्वरूप बसे बसाए गांव दे दिए जाते थे। उस गांव के किसानों और कारीगरों को निर्देश दिया जाता था कि वे कर भी दे और उनके आदेशों का पालन करें।
अधिकांश भूमिदान आदिवासी वन्य लाल मिट्टी एवं बंजर भूमि का करते थे। यहाँ से लगन के रूप में कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। स्टूडेंट्स, उस बंजर भूमि से फसल की उत्पादन बहुत कम मात्रा में होती थी, इसलिए लगन के रूप में कुछ भी नहीं होता था, बोल रहा है। नेक्स्ट, प्रभावती गुप्त ताम्रपत्र अभिलेख में भूमि अनुदान का प्रमाण मिलता है। ताम्रपत्र मिस कागज होता है जिसमें लेख लिखे जाते थे। नेक्स्ट है, प्रभावती गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय 375 एंड 414 AD की पुत्री थी। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है 375 से 414 ईस्वी की है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री। इनका विवाह दक्कन के पठार के राजा रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। ये दक्कन एक राज्य है, वहाँ के राजा पठार नाम का है, उसे विवाह हुआ था। नेक्स्ट है, इनका नाम दिवाकर सेन था। उन्होंने पुण्य प्राप्ति के लिए इसे अपने आर्यन चनल स्वामी को दान कर दिया। आदेश दिया कि ग्रामीण वासियों को इनके सभी आदेशों का पालन करना है। इस गांव में सैनिक प्रवेश नहीं करेंगे और उस गांव में सैनिक का एंट्री नहीं होगा। कहा जाता है कि राजा भूमि दान करके अपने समर्थकों को एकत्रित करते थे। कुछ लोगों का कहना है कि कृषि के विस्तार के लिए भूमि दान करते थे। कारण जो भी हो, इन लोगों को भूमि दान अभिलेखों से कृषि व्यवस्था, भूमि व्यवस्था, समाज एवं संस्कृति की जानकारी मिलती है। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में इतना ही था। कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है, इसीलिए मैं इस टॉपिक को थोड़ा सरल भाषा में बना